हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजनास क्रिएटिविटी चैनल। मंडला आर्ट की जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो उसमें डे वन और डे टू में हमने कुछ बेसिक मंडला पैटर्न्स देखे हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लेना। आप बहुत ही नए हैं मंडला आर्ट में, बिगनर्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होगी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस कवर किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ एडवांस्ड पैटर्न्स देखने वाले हैं, जो कुछ बेसिक डिज़ाइंस के कॉम्बिनेशन से ही बनाई जाती है, और ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ऐसे ही बने रहिए नए वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पैटर्न मैंने बना लिया है, तो मैं आप बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप वेरिएशंस डाल के एक पैटर्न से बहुत सारे पैटर्न्स बनाना सीख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स पैटर्न्स है, जिसमें स्पाइरल्स बनाए हैं इस तरह से, और यहाँ पे मैंने 4 ग्रिड्स का यूज़ किया है, ताकि डिज़ाइन आपको अच्छे से पता चले। तो इस तरह से आप डॉट्स से भी सिमेट्री बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप डॉट्स निकाल के उसके ऊपर उसे जॉइन कर सकते हैं लाइंस को। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइंस में आप बहुत सारे अलग पैटर्न्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप अनलिमिटेड पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प देगी वेरिएशंस बनाने के लिए पैटर्न्स में। तो चलिए हम आगे वीडियो को देखते हैं।
Boom, boom, boom.